मंत्रा का MFS 100 जो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स डिवाइस है उसको सही हिसाब से इंस्टॉल करने का जो तरीका है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, उसमें एरर्स शो कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर से मैंने बनाई है। काफी मार्केट की रिसर्च के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं इसके बारे में एक वीडियो जो है वो बनाऊं और आप सबको एक आसान सा तरीका आसान सी भाषा में आपको समझाऊं। और मैंने कुछ दिन से मैं लगातार जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत सारे सेटिंग्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो सेटिंग्स जो है वो किसी काम की नहीं, क्योंकि मैंने वो सेटिंग्स जो है वो खुद अप्लाई की हैं। वो सेटिंग्स तब इस्तेमाल की जाती हैं जब कभी कभी जो है आपके मंत्रा के MFS 100 में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उन सेटिंग्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले जो पहली बार जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने बहुत कुछ चीजों का जो है वो ध्यान रखना है और सीरियल वाइज जो है आपने इसको इंस्टॉल करना है। और उसके लिए पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो अब विंडोज 7 अगर है, तो कम से कम विंडोज 7 का Service Pack 1 होना चाहिए, और उस आपके सिस्टम के अंदर .NET फ्रेमवर्क जो है वो 4.5 या 5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये आपके सिस्टम की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में उसके बाद में आपका जो जो आपने डिवाइस जो लिया है उसके साथ में सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है जो मंत्रा है, मंत्रा की वेबसाइट के ऊपर। तो पहले आपको मैं बताऊंगा कि वीडियो जो है वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, उसके सारे स्टेप्स को जो है वो आपने देखना है और फॉलो करना है उन सारे स्टेप्स को। अगर छोटा सा भी स्टेप आपने मिस किया तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा और आपके साथ जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर फेसबुक के जरिए से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो चलते हैं हम, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को जो कि मंत्रा का है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर का जो ड्राइवर है उसको पहले इंस्टॉल करना है। RDS सर्विसेज को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम में हमने सर्च करना है मंत्रा MFS 100 और इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली हमारे पास जो वेबसाइट है ये सॉफ्टनेट वाली, और इसका जो पहला यहाँ पे मंत्रा techapp.com इसके ऊपर क्लिक करना है। ये कैप्चा यहाँ पर आपने फिल करना है, उसके बाद में आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो पहले आपने हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि ड्राइवर के नाम नाइन जो लेटेस्ट ड्राइवर यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, विंडोज 7, 8 होगी या 10 होगी। सबसे पहले आपने इसमें ये वाला जो डाउनलोड करना है Redist 2013, उसके बाद में अपने इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में अपने डाउनलोड करना है Redist 2015 to 2022। आपने सीरियल वाइज इनको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इनको सीरियल वाइज आपने डाउनलोड करना है, पहले 13 वाला, उसके बाद में 2015 वाला, उसके बाद में आपने जो MFS 100 का ड्राइवर है 9.2.0.0 आपने
डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना। अभी मेरे पास डाउनलोड करके है और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा डाउनलोड के ऑप्शन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जब हम खोलेंगे, खोलने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और उसके बाद में जो इंस्टॉल होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जब ये हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद फिनिश का ऑप्शन आएगा। फिनिश का ऑप्शन करने के बाद आपका जो है वो सामने आपका एप्लीकेशन का टेस्ट वाला ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर आपके अगर आपका जो डिवाइस कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें उसका सीरियल नंबर मंत्र डिवाइस का आएगा। फिर कैप्चर करना है, कैप्चर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो डिवाइस है उसके ऊपर रेड होना शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर उंगली रखनी है आपने और उसको छोड़ देना है। तो आपने देखना है कि उस पे के ऊपर जो आपका जो जो स्कैनर है वो उसके ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने डाउनलोड करना है RD सर्विस, MFS 100 का RD सर्विस, इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको उसी तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो इसमें भी अभी इंस्टॉलेशन के स्टेप आएंगे। स्टेप होने के बाद उसको फिनिश करना है। फिनिश जब आप करेंगे, इसको फिनिश करने के बाद जो है आपको जब आप फिनिश करोगे तो आपको कंप्यूटर के साथ इस तरीके की डिवाइस जुड़ी होगी। ये आपको डिवाइस अटैच्ड ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फ्रेम वर्क इज रेडी टू यूज, अगर ये आता है तो आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है वो काम करेगा। उसके बाद में आप जब उसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, डिवाइस रिमूव। अगर आप डिवाइस इस तरीके का काम करता है तो आपका डिवाइस जो है बिल्कुल सही है, आपको कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। जब ये इंस्टॉल हुए ड्राइवर, उसके बाद में आपने यहाँ क्रोम में दोबारा से आना है और आपने यहाँ पर गूगल क्रोम के यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सेटिंग्स में जाना है। तो सेटिंग्स में जाकर आपने जो यहाँ पर है इसको हटाना है, जो सेटिंग्स लिखा हुआ क्रोम इसकी जगह पे आपने लिखना है फ्लैक्स। फ्लैक्स लिखने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने इसको INV सर्च करना है, जो पहले वाला ऑप्शन आएगा, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम द होस्ट, इसको यहाँ पर एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपने इसको जैसे अभी एनेबल्ड है, एनेबल करने के बाद आपने इसको रीलॉन्च करना है। रीलॉन्च किया तो आपका गूगल क्रोम जो है वो दोबारा से रीलॉन्च हो गया, दोबारा से ऑन हो गया। उसके बाद में आपने जाना है वेबसाइट पर RD टेस्ट डॉट ये RD टेस्ट डॉट आधार device.com, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने डिस्कवर करना है। डिस्कवर जब आप करेंगे तो आपके डिवाइस पर इस तरीके का मैसेज आएगा। थोड़ी देर आपने रुकना है। डिस्कवरी डिस्कवर RD सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुल। उसके बाद में यहाँ पर जो ENV है इसके ऊपर P यहाँ पर डालना है, फिर कैप्चर पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर ये इस तरीका का इंटरफेस आएगा। पुट योर फिंगर, तो आपका जो डिवाइस है उसके ऊपर रेड लाइट शुरू हो जाती है, आपने उसके ऊपर अपनी फिंगर रखनी है। तो ये आपका रजिस्टर्ड हो गया।
रजिस्टर्ड आपका हो गया और आपका डिवाइस जो है वो अच्छी तरीके से काम करना शुरू करेगा। और जब आप CSE के लिए अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप जाएंगे CSE रजिस्ट्रेशन में, CSE रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करके यहाँ पर माय अकाउंट में जाएंगे। माय अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी ID डालेंगे। ID डालने के बाद यहाँ फिंगरप्रिंट करेंगे। कैप्चा हमने यहाँ पर भर दिया। भरने के बाद हमारी CSE ID जो है वो लॉगिन होने वाली है। बहुत सारे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कंसेंट टू प्रोसीड विद ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो बहुत सारों के केसेस में यहाँ पर आता है अनेबल टू डिटेक्ट डिवाइस, जिसमें अच्छी तरीके से आपने जो है इसको इंस्टॉल नहीं किया होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कैप्चर करिए, आपके डिवाइस की रेड लाइट जो है ऑन हो जाती है, तो आपका फिंगरप्रिंट आपने डालना है। तो इस तरीके से आपका ये लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद आप आगे की जो CSE वाली जो प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप इसमें से कौन कौन से ऑप्शन से अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद में, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जब मैंने पहली बार इसको डाउनलोड किया था और यहाँ पर अनेबल टू डिटेक्ट बार बार आ रहा था। आपका डिवाइस अगर कभी कभी जो है वो काम करना बंद करता है, तो उसके लिए मैं कुछ सेटिंग्स आपको बताऊंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप पहली बार आपको जो इंस्टॉल कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं डिवाइस को, तो उसको आपने सेम इसी तरीके से आपने इंस्टॉल करना है जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर जो है कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा, वो आप सेटिंग आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर गए सर्विसेज में, तो सर्विसेज में जाकर आपने यहाँ पर सर्विस को क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एम प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्रा AVDM। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको यहाँ पर जो है रिस्टार्ट करेंगे। और भी अगर आपको यहाँ पर मंत्रा की कोई जो है सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिखता है तो उसको भी आपने रिस्टार्ट करना है। तो रिस्टार्ट करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। उसके बाद में एक और सेटिंग्स है, आप कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में सी में जाएंगे, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, उसके बाद मंत्रा का जो डिवाइस है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें RD सर्विसेज हैं, RD सर्विसेज को खोल के MFS 100 में आके उसको खोलना है और यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक लिंक बन जाता है, तो उसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे एडिट, आपने यहाँ पर एडिट जो है टाइप करना है, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू करना है, न्यू करने के बाद यहाँ पे पाथ लिखना है। पाथ लिखने के बाद जो आपने कॉपी किया था एड्रेस, उसको आपने यहाँ पर ओके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ओके करना है। तो ये भी एक सेटिंग है। उसके बाद में एक और तरीके की सेटिंग आपको मैं बताऊंगा। जैसे आप गए कंट्रोल पैनल के ऊपर, आपने जाना है कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्राम, सर्च करेंगे प्रोग्राम के फीचर्स। जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक फीचर है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Microsoft.NET फ्रेमवर्क जो है वो, उसको आप यहाँ पर टिक मारेंगे। टिक मारने के बाद इसको ओके करेंगे, उससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक वो ठीक हो सकती है।